में हम बात करने वाले हैं इस साल रिलीज होने वाली अगस्त माह में दो बड़ी फिल्मों के बारे में। इस साल अगस्त माह में जॉन अब्राहम की बाटला हाउस और साउथ सुपरस्टार प्रभास की साओ मूवी रिलीज होंगी। ये दोनों मूवी ही 15 अगस्त को रिलीज होंगी। 15 अगस्त को रिलीज हो रही इन दोनों मूवियों में एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन अब देखना यह होगा कि इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म इस टक्कर में आगे निकलती है। इन दोनों फिल्मों में से पहले बात करें फिल्म बाटला हाउस के बारे में, तो इस फिल्म का निर्देशन निखिल अडवाणी कर रहे हैं। ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बनी बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जो साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर पर बनेगी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर और रवि किशन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं आप बात करें 15 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म साओ के बारे में, तो ये क्लोन एक्शन पर बनी फिल्म होगी। इस फिल्म का निर्देशन सुजीत कर रहे हैं। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार प्रभास, श्रद्धा कपूर और नीलनितिन मुकेश मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। इस फिल्म को भारत के बाहर अबू धाबी, दुबई, रोमानिया और यूरोप में शूट किया गया है। इस फिल्म में हमें प्रभास के साथ साथ श्रद्धा कपूर के भी जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। तो आप इन दोनों मूवियों में से किस मूवी को देखना पसंद करेंगे? साथ ही इन दोनों मूवियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और इस घंटे के आइकन को दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं।